हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, एक जॉब का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, जो जॉब का नोटिफिकेशन है, वो AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन होता है उससे भी ज्यादा बेटर ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। IFFCO के अंदर आप ये लिखा हुआ देख रहे हो, IFFCO यानी इसके अंदर ये जॉब आई हुई है। IFFCO क्या है? IFFCO है एक सेमी गवर्नमेंट, ये एक सेमी गवर्नमेंट संस्था है। इसके अंदर आपको जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो पोस्ट आपकी रहेगी AGT यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं जो स्टेट है वो इसके अंदर है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, MP, बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल। हाँ, राजस्थान इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, पर फिर भी राजस्थान स्टेट वाले ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बारे में जो एज की जानकारी है, जो फीस की जानकारी है, फॉरम फीस की जानकारी है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, क्या मेन एग्जाम होगा, क्या प्री एग्जाम होगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा, और जो सर्विस बॉन्ड, सबसे बड़ी बात, इस नोटिफिकेशन के अंदर एक चीज लिखी हुई है सर्विस बॉन्ड के बारे में, तो हम उसके बारे में भी डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आता है 2016 के बाद जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर से किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो चीज आ रही है जनरल और OBC में परसेंटेज की, तो जनरल और OBC के जो परसेंटेज रहेंगे वो 60, यानी कि आपके OGPA की मैं बात करूं, अपना जो BSc एग्रीकल्चर जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसका OGPA लेके चलते हैं, उसका होता है 6.0, यानी कि दोस्तों आप आराम से देख के दोस्तों 60% यदि आपके हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चलता हूं दोस्तों, एक चीज आती है SC ST के परसेंटेज की, तो SC ST का जो परसेंटेज है वो रहेगा 60% यहाँ पे रहेगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, एज लिमिट की बात आती है, तो एज लिमिट कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी 16 साल हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, पर एक चीज आती है अपर एज लिमिट दोस्तों इसमें आपकी रहेगी 30 ईयर, यानी कि 30 साल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अपर एज लिमिट, और फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा है ट्रेनिंग, यानी कि इसमें AGT एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, यानी कि इस पोस्ट के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ट्रेनिंग के लिए वो रहेगा 1 साल का। तो दोस्तों, जो ट्रेनिंग रहेगी वो 1 ईयर की रहेगी, उसमें आपको मिलेगा 33,000 रुपए पर मंथ का, 33,000 रुपए आपको कंपनी पे करेगी। कौन पे करेगा? IFFCO आपको पे करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, उस टाइम आपको कोई अलावा इसका कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा, रहने का खर्चा नहीं दिया जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं, आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो ये स्टेट दिए हुए उन्हीं में रहने वाली है। आगे चलते हैं, एक चीज और आती है कि जॉब का बाद में आपको 1 साल बाद AGT क्या देगा, आपको IFFCO देगा AGT के माध्यम से जॉब, जो जॉब देगा उसके अंदर आपकी सैलरी कितनी रहेगी, जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 37,000 से 80,000 तक, और प्लस 7,000 आपको मिलेगा वहां रहने का खर्चा। एक चीज पहले, आपकी जो पोस्टिंग रहेगी जिस स्टेट से आप भरोगे वहीं आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, उसमें फॉर्म में आपको पूछा जाएगा। एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, आपको इस फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आएगी, और जो टोटल मार्क होते हैं और OGPA होता है उसमें फर्क आ जाता है कि आपके हर सेमेस्टर में क्या होता है कि हर सेमेस्टर में 60% होना आवश्यक है, तो ये कई लड़कों के नहीं हो पाएगा, तो इसमें फॉर्म भी कम भरे जाएंगे। एक चीज, यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका इजिली फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बता दूंगा, या मैं आपका फॉर्म भी खुद अप्लाई कर दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे वाली चीज आती है सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी। एक मिनट दोस्तों, ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो रहेगी आपके प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट, प्लस मेडिकल टेस्ट, एक चीज ध्यान रखना है, मेडिकल टेस्ट भी होगा और वो खुद वहीं पे लेंगे। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल बना के लेके जाते हो और उसका चेक होगा, नहीं, आपका पूरा अपनी बॉडी का पूरा मेडिकल चेकअप होगा, यानी कि प्री, मेन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम, आपको इन चारों को फाइट करके AGT में जाना होगा। दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों, सर्विस बॉन्ड, सबसे बड़ी बात, एक मिनट दोस्तों, इसको रख कर रहा हूं और मैं आपको सर्विस बॉन्ड की वो पूरी डिटेल यहां पे दे रहा हूं। सर्विस बॉन्ड AGT के अंदर जो आपका रहेगा, पहले तो आपको बता दूं जो सर्विस बॉन्ड होता क्या है। सर्विस बॉन्ड का मतलब, यदि आप इस जॉब को छोड़ते हो, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यदि आप इस जॉब को छोड़ते हो तो SC
और एसटी वालों को 20,000 रुपए उस कंपनी यानी इपको को देने पड़ेंगे सर्विस बॉन्ड के रूप में। और आगे चलते हैं ओबीसी वालों का, ओबीसी वालों को देने पड़ेंगे 80,000 रुपए। हाँ दोस्तों, कई बार ये होता है कि आपने जैसे आज चूज कर लिया जॉब लोकेशन हरियाणा, और आपको वो पसंद नहीं आ रहा जॉब लोकेशन, वहां पे आपको दिक्कत आ रही है कि हरियाणा के अंदर फिर आप जॉब छोड़ रहे हो, एजीटी की पोस्ट आप छोड़ रहे हो, तो आपको ओबीसी में हो तो 80,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी ये है सर्विस बॉन्ड की, ये काफी लड़कों को कंफ्यूजन था सर्विस बॉन्ड को लेकर, तो ये भी कंफ्यूज क्लियर हो गया अपना। आगे चलते हैं दोस्तों, जो लास्ट डेट, हाँ लास्ट डेट आपको बता दूं मैं इसकी, लास्ट डेट दोस्तों इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है 5 सितंबर 2019। और इस फॉर्म को अभी आए हुए हैं, अभी ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको 3 दिन हुए हैं, यानी कि 5 सितंबर तक आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, काफी लड़कों को जो दिक्कत आ रही है, मैंने पहले भी इसको बताया कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट फिल कर दीजिए, मैं आपका फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, पर उसका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 100 रुपए, जो उसका चार्ज है वो है 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से इस वीडियो की डिटेल आपने ले ली और आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो